Hello everyone, welcome to eSmart Learning. Today we are going to start with a new chapter, Salary. तो आज हम अपना next chapter start करने जा रहे हैं जिसका नाम है Salary. It's one of the head of the gross total income. और इसके लिए ये मेरा एक favorite chapter है. It's a bit lengthy like capital gain and PGBP, but it's also interesting. और ये आप day to day के चीजों से आपको इनको मतलब आप salary को आप easily correlate कर सकते हो, चीजों को easily समझ सकते हो, क्योंकि हर person की family में कोई ना कोई earning member रहता ही है, तो उसकी कोई ऐसा एक बंदा तो होगा ही होगा, नहीं तो आपके friends में, relative में, अगर हो सकता है आपके father businessman हो, तो आपके brother या relative में या चाचा ताऊ कोई भी होगा जो कि मतलब अगर सर्विस कर रहा होगा तो उसको सैलरी मिल रही होगी. तो ये सारी चीजें आपको अगर समझ नहीं होंगी तो आप उनसे पूछ सकते हैं, उनसे उनके जो गवर्नमेंट में होंगे, नॉन गवर्नमेंट वाले भी हैं इसमें, तो गवर्नमेंट वाले अगर मिल जाएं तो उनके सैलरी की डिटेल्स अगर आपको मिलेंगी, आप उनसे पूछोगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें जो भी चीजें दी गई हुई हैं उन सारी चीजों से आप उनको कोरिलेट इजिली कर पाओगे और आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे. ओके, तो ये तो मतलब आपको खुद करना होगा, तो मतलब ये कंपलसरी नहीं है. ये मैंने बस इसलिए बताया क्योंकि प्रैक्टिकल चीजों को करने में वो बहुत इजिली समझ में आता है. थ्योरेटिकल तो ठीक है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली उन चीजों को भी देखोगे कि हाँ ये ऐसे हो रहा है, ये वैसे हो रहा है, या ये इस हेड में इसका डिडक्शन जा रहा है, ऐसे हो रहा है ये, तो वो चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी और प्लस ये बहुत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, याद भी हो जाएगी आपको, तो आपको उसके लिए उसको रटना नहीं पड़ेगा. अगर आप वो चीजों को प्रैक्टिकली में देखोगे तो आपके लिए वो चीजें बहुत ईजी हो जाएगी. और क्वेश्चन तो मस्ट है, आपको क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं. ओके, so let's start with our new chapter, income under the head salary. salary क्या होती है? salary हमारी होती है, income होती है, ये तो पता है मैम कि salary income होती है, लेकिन salary कौन किसको देता है? salary कौन किसको देता है? हाँ, salary कौन किसको देता है, और वो जो दो रहेंगे उनके बीच में एक पेयर होता है, एक पेई होता है. पेयर वो होता है जो हमें सैलरी देता है, पेई वो होता है जो सैलरी रिसीव करता है. तो ये जो पेयर और पेई का रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट होता है. तो आप सबसे पहले ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप उन चीजों को आपको बताएंगे तो आपको वो चीजें क्लियर हो जाएंगे. ओके, so let's start with it. points to be considered, what will be points to be considered, what will be the relationship between payer and pay. payer or pay क्या होते हैं? payer वो होता है जो salary pay करता है, pay वो होता है जो salary receive करता है. okay, what will be the relationship between payer and pay? एम्प्लॉयर या मास्टर कह लीजिए आप उसको, वो सैलरी पे करता है किसको? एम्प्लॉय और सर्वेंट को. तो ये क्या हुआ, एम्प्लॉयर क्या हुआ, ये हो गया पेयर. और एम्प्लॉय और सर्वेंट जिसको हम सैलरी पे कर रहे हैं वो क्या हो गया, वो हो गया पे. ओके, और एम्प्लॉयर या मास्टर कौन हो सकते हैं, पेयर कौन हो सकता है, वो यहां पे दिया गया है. पेयर आपके हो सकते हैं इंडिविजुअल, फर्म, एओपी, कंपनी, कॉरपोरेशन, सीजीएसजी. सीजीएसजी क्या हुए हमारे? सीजीएसजी हमारे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, और फिर लास्ट है लोकल अथॉरिटी. और ऐसे ही जो है, जो भी मतलब जो भी अगर रिलेशनशिप पेयर और पे ही का रहेगा और इन कैटेगरीज में फॉल करेंगे, इसके अलावा भी और भी कैटेगरीज होती हैं, तो वो हमारे एम्प्लॉयर कहलाएंगे. ओके,
एम्प्लॉयर और पेयर क्या में क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं? इंडिविजुअल, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, कंपनी, कॉरपोरेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एटसेट्रा. ओके, और ये जो पेयर हैं दे विल बी ऑपरेटिंग इन इंडिया और एब्रॉड. वो इंडिया में भी ऑपरेट कर सकते हैं या एब्रॉड में भी ऑपरेट कर सकते हैं. तो इट डजेंट मैटर कि कौन पे करने वाला कहाँ पे रह रहा है. ओके, यहाँ पे कि वो इंडिया में भी रह सकते हैं, अब्रॉड भी रह सकते हैं, वो मैटर नहीं करता है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉय. एम्प्लॉय क्या होना चाहिए? फुल टाइम या पार्ट टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए. फुल टाइम वाले जरूरी नहीं है कि सिर्फ जो फुल टाइम कर रहे हैं उनको मिल रहा है तो वही होंगे. नहीं, यहाँ मेन रिलेशनशिप देखना है, कौन पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है और उसमें क्या क्या चीजों में क्या इंक्लूसिव है, क्या एक्सक्लूसिव है. ओके, तो इन्हीं सब पॉइंट्स को कंसिडर करके ही आप समझ पाएंगे कि सैलरी क्या होती है, सैलरी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि व्हाट विल बी द रिलेशनशिप बिटवीन पेयर एंड पे. इट शुड बी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मास्टर और सर्वेंट. And these all will be included in the employer, and they may be operate in India or they may operate from abroad. Okay. Second point है हमारा salary received from different employer in the same previous year is taxable under salary. Second point हमारा क्या है? सेकेंड पॉइंट है सैलरी रिसीव फ्रॉम डिफरेंट एम्प्लॉयर इन द सेम प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल अंडर सैलरी. सैलरी रिसीव फ्रॉम डिफरेंट एम्प्लॉयर, यहां कह रहा है डिफरेंट एम्प्लॉयर. डिफरेंट एम्प्लॉयर मतलब हमारा क्या हुआ? इन द सेम प्रीवियस ईयर. कभी कभी होता है कि मतलब लोग जॉब स्विच ओवर करते हैं, इट्स वेरी कॉमन. तो इट मे बी पॉसिबल जो हमारा पीरियड कहां से स्टार्ट होता है, 1st अप्रैल से लेके 31st मार्च तक. आप एज्यूम कर लीजिए कि किसी ने एलएनटी कंपनी, लार्सन एंड टुब्रो, वो तो आपने सुना होगा, एलएनटी इन्फोटेक में किसी ने कोई जॉब कर रहा था. पर्सन ए एलएनटी में जॉब कर रहा था, लेकिन उसने सितंबर में वो जॉब छोड़ दी. सितंबर में जॉब छोड़ के उसने फिर कॉग्निजेंट को ज्वाइन कर लिया. सितंबर में उसने लार्सन एंड टुब्रो को छोड़ करके उसने कॉग्निजेंट लिमिटेड को ज्वाइन कर लिया. तो यहां पे क्या हुआ? सेम प्रीवियस ईयर है, सेम प्रीवियस ईयर में दो डिफरेंट एम्प्लॉयर हो गए. दो डिफरेंट एम्प्लॉयर कौन? पहले हो गए लार्सन एंड टुब्रो, दूसरे होंगे कॉग्निजेंट. ओके, तो सैलरी रिसीव फ्रॉम डिफरेंट एम्प्लॉयर्स मतलब सितंबर तक की सैलरी लार्सन एंड टुब्रो से आएगी, उसकी अप्रैल टू सितंबर, और सितंबर के बाद से अप टू मार्च वो किससे सैलरी आएगी? कॉग्निजेंट से. तो ये दोनों कंबाइन करके ये उसकी टोटल सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा. ओके, थर्ड पॉइंट, सैलरी रिसीव्ड फ्रॉम मोर देन वन सोर्स इन द सेम प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. इसमें भी यही कह रहे हैं कि मतलब सोर्स जरूरी नहीं है कि एक ही सोर्स होना जरूरी है. अगर एक से ज्यादा सोर्स से सैलरी मिल रही है और सेम प्रीवियस ईयर में मिल रही है, तब भी इट डजेंट मेक एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस. इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस एंड इट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इफ एन एम्प्लॉय वेव्स और फोगोज हिज और हर सैलरी. तो उस केस में क्या होगा जब एम्प्लॉय अपनी सैलरी खुद से मतलब कि वो अपनी सैलरी लिया ही नहीं, रिसीव नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा कि क्या अगर वो सैलरी वो लिया नहीं, हो सकता है बाई चांस आप करिए कि वो उसने एक मंथ की सैलरी ड्यूटी काफी थोड़ा सा डेट आगे पीछे हो गया, या किसी प्रॉब्लम की वजह से एम्प्लॉय वहां से छोड़ के चला गया, एम्प्लॉय भाग गया समझ लीजिए, भाग गया, कोई इमरजेंसी आ गई, कुछ हो गया, वो भाग गया, उसने अपनी सैलरी नहीं ली. उस केस में क्या करेंगे कि उस केस में उसकी सैलरी ड्यू तो हो गई थी लेकिन उसने ली नहीं, तो उसमें क्या हम क्या करेंगे कि उस सैलरी को जब उसकी हम इनकम कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करेंगे उसकी टोटल इनकम, तो उसमें हम कंसिडर करेंगे कि नहीं, क्योंकि उसने तो लिया नहीं. बोलिए, नो मतलब कि
वो भले ही सैलरी अपनी नहीं लिया, लेकिन वो सैलरी ड्यू हो चुकी है, और चूंकि वो सैलरी ड्यू हो गई है इसलिए हम जब उसकी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसमें उसको कंसिडर करके हम चलेंगे। इट्स रिटन ओवर हियर सेक्शन 15 टैक्सेस सैलरी ऑन ड्यू बेसिस। ड्यू हो गई थी लेकिन उसने लिया नहीं था। इफ सैलरी हैज एक्रूड टू एन एम्प्लॉई देन इट्स सब्सिक्वेंट वेवर डज नॉट एग्जेम्प्ट इट फ्रॉम द टैक्स लाइबिलिटी। मतलब अगर सैलरी एक्रू हो गई है एम्प्लॉय के फेवर में, लेकिन उसने अगर एक्रू होने के बाद भी अगर उसने नहीं लिया है तो ये उसको टैक्स लाइबिलिटी से नहीं बचाएगा। वो नहीं लिया उसे उसकी गलती है, लेकिन वो ड्यू हो चुकी है तो जब हम उसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो उसको भी हम कंसिडर करके चलेंगे। ओके, सच वॉलेंट्री वेवर इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये वॉलेंट्री वेवर क्या कहलाता है? ये भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम, क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर कोई भी इनकम जिसको अगर हम सॉरी जस्ट मिनट कोई भी इनकम अगर एक बार ड्यू हो जाती है तो उसके बाद अगर अगर एक बार ड्यू होने के बाद फिर उसके बाद अगर हम उसको दूसरे जगह ट्रांसफर करते तो इट विल बी एज अ एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ओके, तो अगर वेवर नहीं कर रहा है तो लेकिन उसको ड्यू हो चुकी थी लेकिन उसने ली नहीं, तो अगर जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में आया आपने लिया नहीं उसको तो वो सैलरी में कंसिडर नहीं करेंगे। नहीं, वो ड्यू हो चुकी थी, उसके फेवर में आ चुकी थी लेकिन उसने नहीं लिया, उसने वॉलेंट्री नहीं लिया, तो ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम हो जाएगा और ये टैक्स लाइबिलिटी से लेकिन नहीं बचेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स फ्री सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर इट विल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉय। जो टैक्स फ्री सैलरी दी जाएगी एम्प्लॉयर के द्वारा इट विल बी इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉय, ये भी एम्प्लॉय के टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। कैसे? फॉर एग्जाम्पल जस्ट वन वेट अ मिनट फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे एक का हम सैलरी है उसकी टोटल सैलरी है 25,500। ओके, ये उसकी पर मंथ सैलरी है, और बी जो कि एम्प्लॉयर है, बी हु इज एम्प्लॉयर, ए इज एम्प्लॉय। ओके, तो बी जो कि एम्प्लॉयर है उसने उसको ए को की तरफ से टैक्स जो था 2000, ये 2000 टैक्स एम्प्लॉयर बी ने पे कर दिया, और उसके बाद उसकी जो सैलरी बची कितनी, 2000 माइनस करेंगे तो आएगा 23,500। ये 23,500 उसने ए के हाथ में दे दिया, तो ए के पास कितनी सैलरी आई, 23,500। तो जब हम उसकी टैक्सेबल इनकम टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे तो क्या हम 23,500 लेंगे या फिर हम 25,500 लेंगे? यहां पे इस पॉइंट में यही कह रहा है कि टैक्स फ्री इनकम पेड बाय द एम्प्लॉयर इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन सैलरी। इट मीन्स जो टैक्स 2000 का एम्प्लॉयर बी ने पे किया ए के लिए, ए की तरफ से ये 2000 भी हमारे इस इनकम में ऐड होगा, क्योंकि ये ए का पूरा सैलरी है ड्यू बेसिस पे, ए की सैलरी एक्चुअल सैलरी ये है, ये टैक्स जो उस पे बन रहा था तो वो बी ने पे किया है एम्प्लॉय की तरफ से, लेकिन ये टैक्सेबल किसको होगा, एम्प्लॉयर को तो नहीं होगा ना, एम्प्लॉय को ही होगा। तो यहां पे हम क्या लेके चलेंगे, 2000 प्लस 23,500, ये टैक्स फ्री इनकम है, ये टैक्स फ्री इनकम है, ये टैक्स है जो एम्प्लॉयर ने पे किया, ये दोनों मिला के हमारा आ रहा है 25,500। ये अमाउंट हम है ए के टैक्सेबल इनकम में इंक्लूड करके चलेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सैलरी अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। सैलरी इंक्लूड्स, सैलरी में क्या क्या चीजें होती हैं? सैलरी इंक्लूड्स वेजेस,
ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे, एनी एडवांस ऑफ सैलरी जो सैलरी में एडवांस में दी जाती है, एनी पेमेंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम। ये क्या हुआ, एनी पेमेंट रिसीव बाय एन एम्प्लॉई इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम। लीव इनकैशमेंट इसको आप कह सकते हैं कि जैसे होता है कि आपको लीव ऑन पे भी मिलता है, गवर्नमेंट में ही होता है लीव ऑन पे, कि मतलब आप छुट्टी ले रहे हो लेकिन उस छुट्टी में, जैसे आप एक महीने की छुट्टी लियो गवर्नमेंट में, जैसे ऐसा होता है कि जैसे आपने स्टडीज के लिए, फर्दर स्टडीज के लिए आपने अप्लाई किया, तो आपको दो, ये एक साल की अगर समझ लीजिए, अगर 6 महीने की एग्जाम देने के लिए 6 महीने की आपको अगर लीव मिल गई, तो 6 महीने लीव ऑन पे मतलब कि वो जो लीव आपकी रहेगी उस पूरे ड्यूरेशन की भी जो सैलरी आपकी रहेगी वो भी आपको मिलेगी। ओके यहां पे क्या कह रहा है कि एनी पीरियड ऑफ लीव नॉट अवेल्ड बाय हिम, तो अगर उसने वो जैसे साल भर में आपको है हर महीने के तरह कि आप 12 छुट्टी आप ले सकते हो जिस लीव का कि आपका पैसा नहीं कटेगा। ये सिंपल तरीका है आपको समझाने का, उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझाऊंगी, कि सिंपल सा है कि अगर हर महीने के में एक दिन की छुट्टी अलाउ है, ओके तो साल भर के कितने हुए, 12 लीव्स हुए, तो 12 लीव्स वो उसको अलाउड हैं। अगर 12 लीव्स में से उसने सिर्फ 10 लीव अवेल किए, बाकी दो रह गए, तो वो दो का क्या रहेगा, वो उस दो लीव का जो पैसा है वो भी उसको मिल जाएगा। ये लीव इनकैशमेंट होता है, कि मतलब उसका कुछ छुट्टियां ऐसी होती है जिनका पैसा नहीं कटता है, और अगर वो छुट्टी आप अवेल नहीं करेंगे तो उस जितनी भी ड्यूरेशन बची रहेगी जो आप अवेल नहीं किए हैं छुट्टी, उसके बदले में आपको पेमेंट मिल जाएगी। ओके फिफ्थ है एन्यूटी और पेंशन। एन्यूटी और पेंशन क्या होता है, कि मतलब ये फिक्स्ड अमाउंट होता है जो आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद मिलता है इन्वेस्टमेंट। और पेंशन में आप जानते ही हैं कि वो हर महीने जब तक आप जॉब करते रहते हो तब तक कुछ ना कुछ अमाउंट, गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं, कि डिडक्ट होता रहता है, और उसके बाद आपके रिटायर होने के बाद वो जो जितने सालों आपने जॉब की है उस टाइम के ड्यूरेशन में जितना भी हुआ था, तो वो एक लमसम हो जाता है। तो अब उसका पेमेंट या तो लमसम में आप चाहो तो लमसम में मिलेगा, या इंस्टॉलमेंट मिलता है, या फिर मंथली मिलता है, तो ये पेंशन होता है। ओके पेंशन में भी और भी काफी चीजें हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ओके अभी मोटा मोटी ही आप ये बस पॉइंट्स आप देख लो, क्योंकि हर चीज में बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारी डिटेल्स है जो एक एक करके हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एनी फीस, कमीशन, परक्विजिट और प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ और इन एडिशन टू एनी सैलरी और वेज। सेवन पॉइंट, द पोर्शन ऑफ द एनुअल एक्रीशन इन एनी प्रीवियस ईयर टू द बैलेंस at the credit of an employee participating in a recognized PF to the extent it is taxable. Okay. Eighth hai, transferred balance in a recognized provident fund to the extent it is taxable. To the extent it is taxable, मतलब जिस हद तक वो टैक्सेबल होगा उस हद तक वो सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा। Okay. नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ एन एम्प्लॉई अंडर अ नोटिफाइड पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80CCD। इसके बारे में भी हम अभी आगे पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई दूसरा एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय के अकाउंट में कोई कंट्रीब्यूशन करता है 80CCD के अंदर नोटिफाइड पेंशन स्कीम में, तो उसको भी हम सैलरी में इंक्लूड करके चलेंगे। ओके नाउ व्हाट इज द बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ सैलरी इनकम, इट इज गिवन अंडर सेक्शन 15। इट कंसिस्ट ऑफ एनी सैलरी ड्यू फ्रॉम एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर टू एन SSC in the previous year whether actually paid or not। तो सैलरी का जो बेसिस, चार्ज का बेसिस क्या होता है, यहां पे वो चीजें दी गई हैं। तो पहला पॉइंट है कि कोई सैलरी जो हमारी एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर और जो फॉर्मर एम्प्लॉयर, जो प्रीवियस जहां से हमने जॉब छोड़ दिया है,
कोई सैलरी जो ड्यू हो रही है हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉयर से या पहले के एम्प्लॉयर से रिलेवेंट प्रीवियस ईयर में, वेदर एक्चुअली पेड और नॉट, भले ही उसका पेमेंट अभी हुआ हो या नहीं हुआ हो. ओके, बी पॉइंट क्या कह रहा है, एनी सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाई और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और अ फॉर्मर एम्प्लॉयर दो नॉट ड्यू और बिफोर इट बिकेम ड्यू. कोई सैलरी जो उसको पे कर दी गई या अलाउ कर दी गई, किसको, पे को, किसको, एम्प्लॉय को, किसको, सर्वेंट को, इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय, या तो एम्प्लॉयर ने खुद दिया हो या उसके बिहाफ में किसी ने दिया है, भले ही वे दो नॉट ड्यू, भले ही वो ड्यू नहीं हुई थी और बिफोर इट बिकम ड्यू या वो ड्यू होने के पहले. यहां पे क्या कह रहा है, पहला पॉइंट में ये कह रहा था कोई सैलरी जो एम्प्लॉयर की जो एम्प्लॉय की सैलरी जो ड्यू सैलरी थी, यहां पे मेन हाईलाइट इसका ड्यू सैलरी थी, जो सैलरी ड्यू थी वो सैलरी हम इंक्लूड करेंगे भले ही वो पे की गई या नहीं की गई. सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कोई सैलरी जो पे कर दी गई या अलाउ कर दी गई, भले ही वो ड्यू नहीं थी या ड्यू होने के पहले ही वो अलाउ कर दी गई या पे कर दी गई. ओके, थर्ड पॉइंट कह रहा है एनी एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स मतलब जो पहले के हैं, जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ऑफ सैलरी पेड और अलाउड टू हिम इन द प्रीवियस ईयर बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एन एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर इफ नॉट चार्ज टू इनकम टैक्स फॉर एनी अर्लियर प्रीवियस ईयर. वो सैलरी जैसे होता है ना कि सैलरी में इंक्रीमेंट कर दिया जाता है, तो इंक्रीमेंट करने के बाद जैसे बता दिया गया कि हाँ इस ईयर से इंक्रीमेंट अब तक का आपको मिलेगा, तो वो क्या हुआ, ये एरियर्स ऑफ सैलरी हो गया कि वो इंक्रीमेंट का जितना ही परसेंटेज है उस परसेंटेज का हम उस साल से निकालेंगे जिस साल से अलाउ किया गया है. तो अगर जैसे 2016 में अगर कहा गया कि हमारा 2010 से लेके चल रहे हैं, तो 2010 से लेकर के 16 तक में जितना भी वो इंक्रीमेंट वाला जो पार्ट रहेगा सैलरी का, इट विल बी द एरियर्स ऑफ सैलरी, तो इट पेड और अलाउड टू हिम, पे कर दी गई है और अलाउ भी कर दी गई है, लेकिन अगर वो इनकम टैक्स में चार्ज नहीं की गई है प्रीवियस ईयर में, तो वो भी यहाँ पे इंक्लूड की जाएगी. ओके, यहां पे फिर से हम बता रहे हैं कि क्या है, पहले केस में था कि सैलरी ड्यू हो गई है, एक कोई सैलरी अगर बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ सैलरी इनकम, मतलब सैलरी इनकम में क्या क्या आता है, कोई सैलरी जो कि ड्यू हो गई है भले ही वो पे नहीं हुई है, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, कोई भी सैलरी भले ही वो ड्यू नहीं हुई है लेकिन पे कर दी गई है या अलाउ कर दी गई है, वो भी इंक्लूड होगी. थर्ड पॉइंट, कोई पिछला पहले का ड्यूज जो चला आ रहा है, एरियर्स ऑफ सैलरीज जो हमारी हैं वो, लेकिन वो इनकम टैक्स में अगर चार्ज नहीं की गई है तो उसे भी हम इंक्लूड करके चलेंगे. ओके, तो यहां पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि एक बार ड्यू बेसिस पे एक बार पे बेसिस पे, यहां पे सिंपल सा एक ट्रिक्स दिया गया है, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर. क्या कह रहे हैं यहां पे, सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस, ड्यू या रिसीव बेसिस पे जो सैलरी है वो टैक्सेबल होगी इन दोनों में से जो भी जल्दी आएगा. फर्स्ट केस में क्या हुआ था कि पे नहीं हुई थी लेकिन ड्यू हो चुका था, तो ड्यू पहले हो गया, विच एवर इज अर्लियर. सेकेंड केस में क्या था, ड्यू नहीं हो पाया था, पे कर दिया गया था, विच एवर इज अर्लियर. एरियर्स में क्या है कि एरियर्स था उस समय तो अनाउंस हुआ ही था, वो तो बाद में फिर वो हुआ, ये तो इनकम टैक्स में चार्ज नहीं किया गया था तो इसलिए यहां पे लेके चले हैं. तो सैलरी को हमेशा ये पॉइंट, ये हमारे छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं. ओके, तो सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर. अगर वो पहले ड्यू हो जाती है या ड्यू होने के पहले ही उसका पेमेंट हो जाता है, तो दोनों में से जो जल्दी आएगा तो वो वैसे उस हिसाब से हम उसको इंक्लूड करके चलेंगे. ओके, और अकाउंटिंग मेथड ऑफ द एम्प्लॉयज इररिलेवेंट, कि कौन से अकाउंटिंग मेथड लगाते नहीं, क्योंकि इसका अपना है, या तो ड्यू हो जल्दी हो रहा है या रिसीट हो रहा है, दोनों में से जो जल्दी होगा उस बेसिस पे सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा. ओके, नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज
सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी इनकम। एक्रू कहाँ होगा, प्लेस क्या होगा, कौन से प्लेस पे जो हमारी सैलरी इनकम है वो एक्रू होगी, वो क्या होगी, एट द प्लेस वेयर द सर्विस इज रेंडर, वो प्लेस जहां पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जहां पे सर्विसेज दी जा रही हैं, ओके तो वो प्लेस हम यहां पे लेके चलेंगे, राइट। लेकिन इससे भी रिलेटेड कुछ रूल्स हैं हमारे, रूल्स क्या हैं, व्हाट आर द रूल्स, द रूल्स फर्स्ट रूल इज सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2, इफ सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया देन सैलरी इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया इवन इफ इट पेड आउटसाइड इंडिया, ओके यहां पे हाईलाइट, सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया then salary is deemed to accrue or arise in India even if it is paid outside India। यहाँ पे तीन चीजें हैं, सर्विस कहाँ दी गई, इंडिया में दी गई, तो सैलरी कहाँ accrue arise हो रहा है, इंडिया में हो रहा है, लेकिन उसका पेमेंट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड इंडिया में हो रहा है, लेकिन फिर भी ये consider उसको हम, अगर कोई सर्विस जो हमारी इंडिया में है, हमने सैलरी सर्विस प्रोवाइड की, लेकिन उसकी सैलरी हमें पेमेंट हमें कहाँ मिला, बाहर मिला, आउटसाइड इंडिया मिला, लेकिन वो ड्यू उसको हम ये मानेंगे कि इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, कि वो इंडिया में ही ड्यू हुई है, क्यों, क्योंकि यहां पे कह रहा है कि जो प्लेस ऑफ एक्रूअल है, प्लेस जहां पे हमें सर्विसेज प्रोवाइड की गई है, उस प्लेस को ही हम कंसिडर करके जाएंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंसिडरेशन ऑफ प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी इनकम। हम यहाँ पे सर्विस जहां प्रोवाइड की गई है प्लेस, उस प्लेस को हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे, ओके तो सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, इफ सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया इवन इफ इट इज पेड आउटसाइड इंडिया देन इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सर्विस इंडिया में प्रोवाइड की जा रही है तो कहां पे एक्रू और अराइज सैलरी कहां ड्यू मानी जाएगी, इंडिया में ड्यू मानी जाएगी, ओके। सेकेंड पॉइंट, इफ सर्विसेज इज रेंडर्ड इन इंडिया देन पेंशन पेड अब्रॉड इज डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया। यहां पे भी सिंपल है, यहां पे क्या आपको देखना है, प्लेस वेयर द सर्विसेज रेंडर, छोटी छोटी मगर मोटी बात है, ओके पहला क्या था कि सैलरी ड्यू और रिसीट बेसिस जो भी अर्लियर होगी उसके बेसिस पे हम कंसिडर करके चलेंगे, दूसरा क्या है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सैलरी कहां पे एक्रू या अराइज हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस वेयर द सर्विसेज रेंडर्ड, ओके। तो पहला था कि अगर सर्विसेज इंडिया में दे रही हैं, भले पेमेंट आउटसाइड हो रहा है, लेकिन फिर भी हम कंसिडर करेंगे कि इट इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेकेंड पॉइंट है कि अगर सर्विसेज इंडिया में दी गई है लेकिन पेंशन सैलरी पेंशन अब्रॉड मिल रहा है, फिर भी उसको हम इट विल बी डीम्ड टू एक्रू इन इंडिया, यही मान के हम चलेंगे। थर्ड पॉइंट हमारा है, इफ सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया देन लीव सैलरी पेमेंट आउटसाइड इंडिया इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। यहाँ पे भी वही बात कह रहा है कि अगर सर्विस इंडिया में दी गई है तो जो लीव सैलरी पेमेंट है वो भले ही आउटसाइड इंडिया में पे की जा रही है, लेकिन हम मान के चलेंगे कि इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज फोर पॉइंट, सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज 3, इंडियन गवर्नमेंट अगर सैलरी पे कर रही है किसको, इंडियन नेशनल को या द पर्सन इंडियन हु इज वर्किंग अब्रॉड, तो क्या करेंगे, तो उस इस केस में जो सैलरी है सैलरी को हम मानेंगे कि इट इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया, लेकिन जो परक्विजिट और अलायंस जो रहता है, जो परक्विजिट और अलायंस रहेगा इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख के इसको कट किया हुआ है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम सैलरी को लेके चलेंगे, अगर इंडियन गवर्नमेंट इंडियन नेशनल या वर्क पर्सन जो कि अब्रॉड में वर्क कर रहा है उसको सैलरी पे कर रही है, तो सिर्फ और सिर्फ जो सैलरी पार्ट होगा, मेन बेसिक सैलरी वाला पार्ट होगा, उसको हम यहाँ कंसिडर करके चलेंगे, उसके अलावा जितने भी अलायंसेस और परक्विजिट रहेंगे
उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, इसमें एक और पॉइंट है कि ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दी जा रही है, लेकिन पॉइंट क्या, इंडियन गवर्नमेंट इंडियन नेशनल या इंडियन पर्सन वर्किंग अब्रॉड को दे रही है। तो ओके, अब हम जल्दी जल्दी एक टेबल देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये सब चीजों के बारे में आप डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, आगे है ये। तो अभी एक ग्लिम्स ले लेते हैं कि कई अलग अलग तरीके के जो सैलरी के पार्ट होते हैं, या उसके अलावा भी और जो डिफरेंट रिसीट होती हैं, उनका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होता है। ओके, तो वी विल जस्ट टेक अ लुक ओवर इट। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इज सैलरी, बेसिक सैलरी, इट इज टैक्सेबल। सेकेंड इज डीए और डियरनेस अलाउंस और पे, इट इज टैक्सेबल। थर्ड इज एडवांस सैलरी, टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट, जिस साल ये रिसीव करेंगे उस साल टैक्सेबल होगी। ओके, एरियर्स ऑफ सैलरी, पहले के जो काफी ड्यू चले आ रहे हैं, टैक्सेबल रिसीट बेसिस। जनरली जनरली ये होता है कि रिसीट बेसिस पे ही टैक्सेबल होता है। अब उसके भी और भी केसेस रहते हैं, वो आगे हैं। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, ये भी मैंने अभी आपको बताया था लीव इनकैशमेंट क्या होता है, इसका भी पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, इट इज टैक्सेबल। सिक्स पॉइंट इज लीव एनकैशमेंट एट रिटायरमेंट और लीविंग जॉब, ये था ड्यूरिंग सर्विस, ये है सर्विस छोड़ने के बाद, रिटायरमेंट के टाइम या जॉब छोड़ने के बाद। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या होगा कि इट विल बी एग्जेम्प्ट। नॉन गवर्नमेंट के केस में क्या होगा, इट इज जनरली टैक्सेबल। सेवेंथ है सैलरी इन लीव ऑफ नोटिस, इट विल बी टैक्सेबल। सैलरी टू पार्टनर, टैक्सेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये बिजनेस में आ जाएगा। फीस एंड कमीशन टैक्सेबल, बोनस टैक्सेबल, रिसीट और ड्यू बेसिस, जो भी इसमें से जल्दी होगा उसके बेसिस पे हम यहां पे कंसिडर करके चलेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, मंथली पेंशन, इट इज टैक्सेबल। पेंशन अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, ये स्कीम के बारे में भी हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो इट इज टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट। थर्टीन है लमसम पेमेंट ऑफ पेंशन, जो हम बताए थे लमसम भी होता है और इंस्टॉलमेंट में भी होता है, मंथली वाइज होता है, तो उसमें क्या करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट इन सम केसेस, पेंशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। फोर्टीन है ग्रेच्युटी, ग्रेच्युटी क्या होती है, इसी भी गवर्नमेंट के केस में एग्जेम्प्ट होती है, नॉन गवर्नमेंट के केस में कुछ केसेस में एग्जेम्प्ट होती है। मैम ये तो यहां हमें समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो बड़े अच्छे हैं, हाँ, क्योंकि उनके में तो सब में तो एग्जेम्प्ट 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 चला रहा है, और नॉन गवर्नमेंट में एग्जेम्प्ट इन सम केसेस ओनली है, तो सबसे अच्छी जॉब तो भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉय की होती है कि नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का काम क्या रहता है, नहीं काम तो बहुत रहता है, लेकिन इंडिया का क्या हाल है वो आप जान ही रहे हो, कि मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो पूरे मन से, पूरे अच्छे से, रिस्पॉन्सिबल तरीके से अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, लेकिन बहुत मैक्सिमम ऐसे लोग हैं जो अपने गवर्नमेंट जॉब को बस आराम के लिए ही यूज करते हैं। ऑफिस टाइमिंग रहेगी 10 बजे, आएंगे 11 बजे, फिर आराम से काम करने में मन लगाते लगाते उनका 12 बज जाएगा, 1 घंटा काम करेंगे, फिर लंच आर हो जाएगा, लंच आर हो जाएगा तो आधे घंटे का लंच और इनका 1.5 से 2 घंटे चल जाएगा, फिर निकल जाएंगे चाय पीने के लिए, फिर उसके बाद आएंगे, तब तक फिर जाने की तैयारी करनी शुरू कर देंगे। ऐसा होता है, ऐसा मैंने देखा है, तभी मैं बता रही हूं, ऐसा होता है। तो गवर्नमेंट जॉब भी बहुत ल्यूक्रेटिव होती है, बहुत अच्छी लगती है, सबको बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि हाँ पैसे ही बहुत मिलते हैं, काम भी नहीं करते, करना पड़ता उतना, लेकिन ऐसा नहीं है। अब चीजें बदल रही हैं, एंड आई होप कि अगर मन लगा के अगर सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी अगर काम करें अच्छे से, तो इंडिया बहुत आगे पहुंच जाएगा। ओके, शायद टॉपिक से डाइवर्ट हो गए, नेवर माइंड। सो मूव टूअर्ड द नेक्स्ट पॉइंट, दैट्स 15, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन क्या होता है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन होता है कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को जॉब से निकाल रहा है
ये नहीं है कि हाँ एम्प्लॉय ने कोई गलती कर दी और फिर वो उसको निकाल रहा है, नहीं, ये वो केस नहीं है। पनिशमेंट के अलावा कोई भी और सर्कमस्टेंसेस होंगी उस केसेस में, अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को निकाल रहा है विथ नोटिस, और उस ऐसे अचानक से निकालने के लिए जब वो उसे कंपेंसेशन जो देता है कि हाँ एक का एक निकलने के बाद उसे तो तुरंत जॉब मिलेगी नहीं, रहना खर्चा एंड ऑल सब चीजें रहती हैं, तो वो जो कंपेंसेशन दिया जाता है उसे अचानक से जॉब से निकालने के लिए, और वो जो जो भी उसका रीजन रहता है वो रीजन पनिशमेंट नहीं रहता है एम्प्लॉय का। ओके, तो उसके अलावा जो भी जिस भी रीजन से अगर एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं तो उसके लिए कंपेंसेशन पे करते हैं, वो कंपेंसेशन क्या कहलाता है, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। मैक्सिमम कई कंपनीज में जब रिसेशन आता है तो यही होता है ना कि कंपनीज जो रहती है कि अपने कॉस्ट कटिंग में लग जाती है, कॉस्ट कटिंग में लग जाती है, तो वो कई सारे एम्प्लॉयज जो भी उन्हें थोड़ा बहुत भी जहां उस समय गलती की गुंजाइश नहीं रहती है, जहां किसी एम्प्लॉय को अगर वो देख रहे हैं कि हाँ नहीं उसका वर्क या उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है या वो टारगेट नहीं कंप्लीट कर रहा है या वैसा रिग्रेस होके या उतना वर्क नहीं कर पा रहा है, तो तुरंत वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर देते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं। तो वो जब उस समय निकाल देते हैं तो उस समय कंपेंसेशन भी पे करते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया है, हर जगह हर चीजों में ऐसे नहीं होती है, रीजन सिर्फ यही नहीं है, रीजन और भी बहुत सारी हो सकती है, वो हमारी मेंशन रहती है। सॉरी, इसका पॉइंट रह गया। इसमें टैक्स ट्रीटमेंट क्या रहता है, एग्जेम्प्ट टू द एक्सटेंट ऑफ द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों में से जो लीस्ट होगा इट विल बी एग्जेम्प्ट। द अमाउंट कैलकुलेटेड अंडर सेक्शन 25F सबसेक्शन बी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और एन अमाउंट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, कितना स्पेसिफाइड है, 5 लाख रुपीज, या तो 5 लाख या फिर जो भी अमाउंट आप इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर जो कैलकुलेट करोगे उन दोनों में से जो भी लोअर होगा, लीस्ट होगा, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारा रेम्यूनरेशन फॉर एक्स्ट्रा ड्यूटीज, इट विल बी, जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज होती है या सम आप ओवर टाइम टाइप समझ लो, इट विल बी टैक्सेबल। एन्यूटी फ्रॉम एम्प्लॉयर, इट इज टैक्सेबल। एनुअल एक्रीशन टू द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड क्रेडिट बैलेंस, ये भी आगे पढ़ेंगे। तो एनुअल एक्रीशन मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, एक्सेस ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर 12% ऑफ द सैलरी टैक्सेबल, जो 12% एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन जितना भी वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 12% ऑफ सैलरी से जितना भी एक्सीड करेगा दैट विल बी टैक्सेबल। सेकेंड है एक्सेस ऑफ इंटरेस्ट ओवर नोटिफाइड इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, और उसपे इंटरेस्ट जो है नोटिफाइड इंटरेस्ट 9.5% के अबव जितना भी इंटरेस्ट रहेगा दैट एक्सेस विल बी टैक्सेबल। 19th है कंपेंसेशन रिसीव्ड अंडर वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम, वी विल स्टडी इन डिटेल, एग्जेम्प्ट इन सम केसेस। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी टैक्सेबल, सैलरी फ्रॉम यूएनओ इट विल बी नॉन टैक्सेबल। ओके, तो ये आपके पॉइंट्स हो गए, टैक्स ट्रीटमेंट हो गया। तो नेक्स्ट जो आगे की चीजें हैं वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए आप ये चीजों को आप रिवाइज कर लो, और जो मैंने कहा था कि अगर कोई कोई बंदा है आपको ऐसा मिल जाए जिससे कि मतलब गवर्नमेंट सैलरी शीट मिल जाए, तो आपको ये सब चीजें समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो अभी फिलहाल तक के लिए इतना ही, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, एंड ओके, so keep practicing, keep learning and keep sharing, and do like my Facebook page eSmart Learning and subscribe my YouTube channel eSmart Learning for more videos and update. Till then, take care, bye.